हर रोज हमारा ब्रेन एक सेट पैटर्न पर काम करता है। हम हर रोज सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। हम हर रोज वही काम करते हैं और फिर वापस सेम रास्ते से घर आ जाते हैं। फिर हम डेली वही इंस्टाग्राम चलाते हैं, यूट्यूब पर बकवास से न्यूज देखते हैं। इस तरह से ना तो हम डेली कुछ अलग कर रहे हैं और ना ही कोई अलग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे में अगर आपका ब्रेन कमजोर हो गया है तो इसमें हैरानी की क्या बात है। दिमाग और हमारी बॉडी एंटी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स हैं। जहां फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स पर प्रेशर पड़ने से वो टूट जाते हैं, वहीं एंटी फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स प्रेशर झेलकर और भी स्ट्रांग बन जाते हैं। अगर आप हर रोज एक डंडा अपने टीवी को मारोगे तो आपका टीवी टूट जाएगा, क्योंकि वो फ्रेजाइल है। लेकिन अगर आप हर रोज एक डंडा खुद को मारोगे तो एक साल के बाद आप पर वो डंडा असर ही नहीं करेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस बताने जा रहा हूँ जिसकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को स्ट्रांग बना सकते हो। नंबर वन, ब्रश योर टीथ विद द अपोजिट हैंड। हम में से ऑलमोस्ट हर कोई सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करता है। इसी से आपके हर दिन के पैटर्न की शुरुआत होती है। अगर आप यही पैटर्न तोड़ दो तो आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि आज के दिन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे और ज्यादा अलर्ट और फोकस्ड रहना है। इसके लिए अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो तो लेफ्ट से ब्रश करना शुरू करो, और अगर आप लेफ्ट से करते हो तो आप राइट से करना शुरू करो। जब कुछ दिन के बाद आपको अपोजिट हैंड से ब्रश करने की आदत लग जाए तो आप फिर से स्विच करके ओरिजिनल हैंड से ब्रश करने लगो। एंड इसका एक फायदा ये भी है कि जब हम अपना राइट हैंड यूज करते हैं तो हमारा लेफ्ट साइड का ब्रेन पावरफुल होता है, और जब हम लेफ्ट हैंड यूज करते हैं तो राइट साइड वाला ब्रेन पावरफुल होता है। नंबर टू, स्विच योर सेंसेस। आपको ये बात तो पता ही होगी कि ब्लाइंड लोगों का सेंस ऑफ टच बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपने ऋतिक रोशन की काबिल मूवी देखी है तो आपको पता होगा कि वो बंदा अंधा होकर भी कितना इंटेलिजेंट था। वो नोट्स की साइज फील करके ये बता देता था कि वो नोट 10 की है या 100 की है। उसके घर में सब कुछ एक स्पेसिफिक स्टेप की दूरी पर रखा होता था। उसके सुनने की एबिलिटी भी काफी स्ट्रांग थी। जब आपका एक सेंसरी ऑर्गन बंद हो जाता है तो आपके ब्रेन को उस सेंसरी ऑर्गन से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं करनी पड़ती। उसके पास थोड़ा सा स्पेस बच जाता है जिसका यूज वो दूसरे कामों को एफिशिएंट तरीके से करने के लिए यूज करता है। अगर आप किसी काम को करते वक्त अपने कुछ सेंसरी ऑर्गन्स को ऑफ कर दो तो आप फास्ट काम कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कंप्यूटर पर टाइपिंग सीख सकते हो, जिसमें आप बिना कीबोर्ड की तरफ देखे चीजें लिखने की कोशिश करते हो। आप बिना देखे चीजें ड्रॉ करने की कोशिश कर सकते हो। आप अपने घर वालों के चलने की स्टाइल से उन्हें आइडेंटिफाई करना सीख सकते हो। नंबर थ्री, पजल्स। गेम्स आपके ब्रेन को शार्प कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स वाले एडिक्टिव गेम्स की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर कुछ सिंपल और क्लासिक गेम्स की बात हो रही है, जैसे सुडोकू, सोलिटायर, चेस, क्रॉसवर्ड पजल्स, 2048 एंड विजुअल पजल्स। चेस खेलने से आपकी स्ट्रेटेजी बनाने की पावर इंक्रीज करती है। जीनियस चेस प्लेयर्स 12 से 15 मूव्स आगे की सोचते हैं। इसका मतलब यह है कि वो जानते हैं कि अगली 12 चाल में आप क्या चलोगे, वो क्या चलेंगे, और उनकी चाल देखकर आप फिर से क्या चलोगे। इस तरह से वो आपको फंसाने के लंबे प्लान्स बना पाते हैं। अगर आपकी भी इस तरह की लॉन्ग टर्म थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाए तो आप भी लॉन्ग टर्म प्लान बना सकते हो और फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट में देखकर उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। नंबर फोर, द स्विचिंग गेम। अब मैं आपको तीन गेम्स बताने जा रहा हूँ जिनकी हेल्प से आप अपने ब्रेन को शार्प बना सकते हो। पहला है ओवी गेम। अपने लेफ्ट हैंड से ओके का साइन बनाओ और राइट से विक्ट्री का। इसके बाद आप अपने राइट से ओके का बनाओ और लेफ्ट से विक्ट्री का। इसी काम को 10 बार रिपीट करो। द सर्कल ट्रायंगल गेम। अपने लेफ्ट हैंड से हवा में एक सर्कल बनाओ और राइट हैंड से एक ट्रायंगल। कोशिश करो कि ये दोनों शेप्स परफेक्ट बने, वो भी एक साथ। ये सुनने में जितना ईजी लगता है असल में उतना है नहीं। एक बार आप लेफ्ट से सर्कल और राइट से ट्रायंगल बनाने में कामयाब हो जाओ तो फिर स्विच करके अपने राइट से हवा में सर्कल बनाओ और लेफ्ट से एक ट्रायंगल बनाओ। ट्राई टू राइट विद बोथ हैंड्स। आपको थ्री इडियट्स का वायरस तो याद ही होगा। उसने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन कर लिया था जिससे वो दोनों हाथ से लिख सकता था। आप भी दोनों हाथों से एक साथ लिखने की कोशिश करो। एक बार आपको दोनों हाथों से एक साथ लिखना आ जाए तो आप दोनों हाथों से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करो। इस वीडियो का फिफ्थ पॉइंट, गिव अप द टेक्नोलॉजी। आपने कुछ वेटर्स को देखा होगा जो कस्टमर्स के ऑर्डर लेने के लिए नोट्स का यूज नहीं करते। उन्हें सारे 8 कस्टमर्स के ऑर्डर्स याद होते हैं और वो सही टेबल पर सही ऑर्डर पहुंचाते हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग छोटे छोटे काम के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। हम 17 को 34 से मल्टीप्लाई करने के लिए भी कैलकुलेटर का यूज करते हैं। शॉपिंग लिस्ट की चीजों को याद करने के बजाय उन्हें अपने फोन में सेव करके रखते हैं। हमें अपने घर में किसी का भी फोन नंबर याद नहीं रहता। हम इवेंट्स को भी याद रखने के लिए रिमाइंडर्स का यूज करते हैं। तो हो सके तो ये छोटे छोटे काम अपने ब्रेन पावर से करने की कोशिश करो। सबसे पहले आप अपनी लाइफ के 5 इंपॉर्टेंट लोगों का नंबर याद कर लो। इसके बाद आप जब भी नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए जाओ तो आप लिस्ट ना बनाकर चीजें याद करने की कोशिश करो। लिस्ट याद रखने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। हर लिस्ट के आइटम्स को कुछ कैटेगरीज में बांट दो। फॉर एग्जाम्पल, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में डिटर्जेंट, कपड़े और बर्तन धोने का साबुन, शैम्पू, नहाने का साबुन, हैंड वॉश और स्क्रबर जैसी चीजें आ जाएंगी।
खाने के सामान में शुगर, सॉल्ट, ड्राई फ्रूट्स और मसाले आ जाएंगे। इस तरह से आपकी जो भी लिस्ट है उनके आइटम्स को कैटेगरी में रखकर इंडिविजुअल आइटम्स को याद रखने के बजाय उन कैटेगरीज के आइटम्स को याद कर लो। सिमिलरली अगर आपको नंबर्स याद करने हैं तो उन्हें भी छोटे छोटे ग्रुप्स में याद रखो। 9876543210 की तरह याद न करके आप 9876543210 की तरह याद कीजिए। यह टेक्निक आप किसी भी लंबी चीज को याद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दो और फिर उन ग्रुप्स को याद कर लो। नंबर 6, डू समथिंग डिफरेंट। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा, हम एक सेट पैटर्न पर ऑपरेट कर रहे हैं। हम हर रोज वही सेम काम करते हैं। अगर आप दिन की शुरुआत अपोजिट हाथ से ब्रश करने से करोगे तो आपका ब्रेन पूरे दिन के लिए अलर्ट रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं है। आप दूसरी जगहों पर भी कुछ डिफरेंट ट्राई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप काम पर जाने के लिए एक डिफरेंट रास्ता चुन सकते हो। आप नेक्स्ट टाइम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट न जाने के बजाय कोई नया रेस्टोरेंट ट्राई कर सकते हो। आप कपड़े खरीदते वक्त दुकान वाले से कुछ डिस्काउंट मांग सकते हो। इस तरह से अपने डेली के कामों में छोटे छोटे चेंजेस करके आप अपने सारे दिन के पैटर्न को चेंज कर सकते हो। ऐसा करने से आपके ब्रेन को यह पता लग जाएगा कि अब चीजें एक सेट रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं और उसे सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए। इस तरह से ये सारे काम करने से आप और अलर्ट और फोकस्ड रहोगे। तो अगर आपको वीडियोस को लाइक करने की आदत नहीं है तो इस वीडियो को लाइक करके एक अपोजिट काम कर दो। अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक तो करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो तो आप कमेंट भी करिए कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखना है तो यस जरूर लिखिए। और ये बुक ऐप पर स्कॉट जी हेल्फोर्ड की बुक एक्टिवेट योर ब्रेन की हिंदी बुक समरी जरूर सुनिए। और इसके अलावा आप डेविड पर्ल मटर की बुक ब्रेन मेकर की फ्री समरी भी सुन सकते हो। अब अगर आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। और अगर आप दिमाग को तेज बनाने वाले 10 फूड्स के बारे में जानना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।